गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम दैट इज जो एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में सबसे पहले आपको ये जो फ्री रेडिकल्स जो हमने चैप्टर 4 में किया है ये आपको अच्छे से आपको याद रखना चाहिए। द रीजन बींग इस पे बेस्ड हम लोग का पूरा चैप्टर क्या होने वाला, दैट इज बेस्ड होने वाला। तो इसको आप अच्छे से याद करके ट्राई करना आपके नोटबुक्स में फिल करने के लिए। हम लोग जो जाएंगे दैट इज आगे के पार्ट्स पे जाने वाले। ओके तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दैट इज जो कंपाउंड्स है, सबसे पहले एच सी एल। एच सी एल में दो कंपोनेंट्स है, एच प्लस और क्या सी एल माइनस। एच प्लस डोनेट कर रहा है इसलिए क्या रहेगा एसिड। सेम गोस यहाँ पे वो रेडिकल्स इसमें, इधर क्या रहेगा दैट इज एच प्लस रहने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा एनओ थ्री क्या होगा माइनस। एच प्लस डोनेट कर रहा है इसीलिए क्या रहेगा दैट इज एसिड। नाम क्या रहेगा इसका, नाम रहेगा दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो ये जो नाम है ना ये जस्ट करके रख स्पेसिफिकली ये दो का। फिर यहाँ पे भी सेम, इधर क्या रहेगा एच प्लस, इधर रहेगा बी आर माइनस, ये भी क्या रहेगा एसिड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज हाइड्रो। इधर क्लोरिक है तो यहाँ पे क्या आएगा ब्रोमिक क्या होगा एसिड। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे H2SO4। अब बहुत जन ना ये कॉमन गलती करते, यहाँ पे इसको लिखते H2+ लिख लेते, तो ये यहाँ पे गलत है। आयंस कौन है वो पहचानो, यहाँ पे कौन सा आयन है एच प्लस आयन है, कितने एच प्लस आयन है दो एच प्लस क्या है आयन। नेक्स्ट यहाँ पे SO4, SO4 जो है उसका चार्ज कितना रहेगा टू माइनस, ये भी क्या रहेगा एच प्लस डोनेट कर रहा है इसलिए क्या रहेगा एसिड। इसका नाम यहाँ पे जो रहेगा ये रहने वाला है दैट इज सल्फ्यूरिक क्या रहेगा एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे H3BO3 है, टोटल नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, पहले हाइड्रोजन आयन है वो पहले लिखो एच प्लस, कितने हैं वो लिखो 3H+। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा BO3, अगर तीन पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा 3-, एच प्लस डोनेट कर रहा है इसीलिए क्या रहने वाला है एसिड। ओके यहाँ पे इसका नाम जो रहेगा वो आएगा दैट इज हाइड्रो, इधर क्या आएगा दैट इज बोरिक एसिड। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या रहेगा दो आयंस, ये और ये याद रखना, यहाँ पे दो आयंस रहेंगे, एक कौन रहेगा Na+, दूसरा यहाँ पे रहेगा OH-। OH- डोनेट कर रहा है इसीलिए क्या रहेगा बेस। इसका नाम यहाँ पे रहेगा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग और एक एक नाम से बोलते हैं, वो भी आप चाहे तो लिख के रखो, दैट इज इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा यहाँ पे रहेगा K+ एंड क्या रहेगा OH-, ये भी क्या रहेगा दैट इज बेस। ओके इसका नाम भी यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज पोटेशियम, और ये यहाँ पे रहेगा हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम लोग और एक नाम से बोलते वी कॉल दिस एज पोटैश। नेक्स्ट यहाँ पे इधर भी दो आयंस रहेंगे, एक रहने वाला है यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम का चार्ज क्या रहेगा दो पॉजिटिव, कितने पहले तो यहाँ पे कौन सा आयन रहेगा वो लिखो, यहाँ पे क्या रहेगा OH- रहेगा, कितना OH- रहेगा दो OH- रहेगा, ये भी ऑफ कोर्स क्या रहेगा बेस रहेगा। इसका नाम यहाँ पे जो रहने वाला है दिस विल बी क्या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे दो आयन है, एक यहाँ पे क्या रहेगा NH4+, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा एक OH- रहेगा, ये भी क्या रहने वाला है यहाँ पे बेस रहेगा। इसका जो नाम है वी कॉल इट एज अमोनियम, क्या रहेगा दैट इज हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दैट इज एक तो रहेगा Na+, दूसरा यहाँ पे क्या है Cl-, इसमें ना H+ ना OH-, तो ये भी यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज सॉल्ट। यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा दैट इज कैल्शियम Ca2+, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा NO3-, कितने नाइट्रेट है यहाँ पे नोटिस हो रहा है नाइट्रेट यहाँ पे कितना है दो, दो पॉजिटिव चार्ज को दो नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है बैलेंस, ये भी क्या रहेगा दैट इज सॉल्ट। ये वाले का नाम दैट इज क्या रहेगा सोडियम, इधर क्या रहेगा दैट इज क्लोराइड। इसका जो नाम है ये क्या रहेगा कैल्शियम, यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज नाइट्रेट। नेक्स्ट यहाँ पे पोटेशियम, कितना पोटेशियम है यहाँ पे दो पोटेशियम है, ठीक है आपको सिर्फ आयन लिखना है
K2+ मत लिखना, ये बहुत कॉमन गलती है। आयन कौन सा है यहाँ पे? पोटेशियम। कितना आयन है? दो। ऐसे आप करके लिखना। इधर क्या रहेगा? दैट इज SO4, दो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए दो नेगेटिव चार्ज। ये भी यहाँ पे क्या रहने वाला है? दैट इज सॉल्ट रहेगा। इसका नाम यहाँ पे रहेगा पोटेशियम। ये क्या रहेगा? S सल्फेट रहेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे कौन से आयन्स रहने वाले? एक यहाँ पे रहेगा कैल्शियम, चार्ज इसका दो पॉजिटिव। दूसरा यहाँ पे क्लोरीन है जिसका चार्ज क्या? नेगेटिव। कितने क्लोरीन है यहाँ पे? दो। तो यहाँ पे होगा 2Cl-। ये भी यहाँ पे क्या रहने वाला है? दैट इज सॉल्ट रहेगा। इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या? वी कॉल दिस एज कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज NH4। दिख रहा है अमोनियम है। कितना अमोनियम है यहाँ पे? दो अमोनियम है। दूसरा यहाँ पे क्या? सल्फेट है। कितना सल्फेट है? एक ही सल्फेट है। चार्ज कितना आएगा? 2-। ये भी क्या रहेगा यहाँ पे? सॉल्ट, बिकॉज इट डज नॉट हैव यहाँ पे दैट इज H+ एंड OH-। इसका नाम ये रहने वाला दैट इज अमोनियम, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज सल्फेट। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज कॉल्ड एज क्या? आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स बेसिकली फॉर्म कैसे होता है? गिव एंड टेक ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल दे सकते हो दैट इज किसका? सोडियम का। सोडियम यहाँ पे क्या कर रहा है? दैट इज इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है किसका? दैट इज सोडियम का। इट इज दैट इज एटॉमिक नंबर 11 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है? 2, 8 और यहाँ पे क्या है? 1। इसको अपना क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से यहाँ पे जो भी सोडियम बनेगा इसमें कितना रहेगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। यहाँ पे 2,8 रहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट, एक नेगेटिव चार्ज जाता है, तो इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। जो सोडियम रहेगा क्या बन रहा है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे आ रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटायन करके बोलते हैं। कैटायन जैसे ही फॉर्म होता है जो सोडियम रहेगा उसका ऑक्टेट क्या रहेगा? कंप्लीट। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर है। तो कैटायन को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर है यहाँ पे कितना है? 17, विच इज यहाँ पे होगा 287। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करके यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा? 18। ये भी क्या रहेगा? 2, 8 और यहाँ पे रहने वाला है 8। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है जिसकी वजह से इसके ऊपर का चार्ज क्या रहेगा? दैट इज माइनस। ओके, अब ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एनायन। एनायन किससे फॉर्म होता है? एलिमेंट जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इसका भी ऑक्टेट यहाँ पे क्या है? कंप्लीट है, इसीलिए ये भी क्या रहेगा? दैट इज स्टेबल रहेगा। एनायन को हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं कि इसमें कौन सा चार्ज रहने वाला है? नेगेटिव चार्ज रहेगा। ओके, तो आयनिक कंपाउंड बेसिकली दो ग्रुप्स का बना है, कैटायन एंड किसके बीच में? एनायन के बीच में। आई होप ये पार्ट याद है प्रॉपरली आपको क्लियर है। दूसरा पार्ट जो है इसका चार्ज पॉजिटिव है, इसका चार्ज नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही फोर्स जो रहता है इसमें आयनिक बॉन्ड में ये क्या रहता है? एकदम क्या रहता है? स्ट्रांग। ये फोर्स को ही हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एक स्ट्रांग बॉन्ड जैसे कंसिडर करते हैं। किसके बीच में? कैटायन एंड एनायन के बीच में। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक क्या बोलते हैं? बॉन्ड। इन दोनों का, कैटायन एंड एनायन दोनों का यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड जो रहेगा ये क्या रहेगा? एक एक्सट्रीमली स्टेबल क्या रहने वाला है? कंपाउंड। ठीक है, आई होप ये पार्ट अच्छे से आपको क्लियर है। अब जाते आगे की ओर, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्या है? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन में होता है क्या है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल देख सकते हो दैट इज आप क्या कर रहे हो? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को पानी के अंदर डाल रहे हो। लेकिन जैसे आप इसको पानी के अंदर डालते हो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं।
तो ये प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे आप ये डायग्राम को दैट इज इधर देख सकते हो कि क्या हो रहा है, जो अंदर के सोडियम दैट इज ये ब्लैक स्पॉट एंड ये क्लोरीन ग्रीन स्पॉट के थ्रू आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, सेपरेट होते जा रहा है। यही जो प्रोसेस है इसको डिसोसिएशन बोलते। तो प्रोसेस एग्जैक्ट क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये जो NaCl है इसका क्रिस्टल यहाँ पे बताया गया है, जो किसका बना हुआ है, क्लोरीन दिख रहा है ग्रीन कलर के डॉट्स, एंड यहाँ पे बना है दैट इज Na+ जो यहाँ पे वायलेट कलर के डॉट्स है। अब जो वाटर रहता है आप नोटिस भी कर सकते हो, ये जो साइड का चार्ज है इसका चार्ज क्या रहेगा, प्लस। H+ का चार्ज होगा प्लस, ऑक्सीजन का चार्ज होगा माइनस। अब होता क्या है, जैसे ये NaCl क्रिस्टल पानी के अंदर जाता है, ये जो Cl- जो है, क्लोरीन माइनस जो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको सराउंड कौन कर रहा है, सारे हाइड्रोजन आके सराउंड करता है। ये हाइड्रोजन जैसे इसको सराउंड करेगा, अपने अट्रैक्टिव फोर्स के मदद से क्या करेगा, ये क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर खींच के निकालेगा। यहाँ पे भी आप नोटिस कर सकते हो सेम चीज हो रहा है सोडियम के साथ। सोडियम को यहाँ पे सराउंड क्या करेगा, दैट इज ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज हो सब ये करेगा, सराउंड करेगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन का और सोडियम के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको क्या करेगा, खींच के कहाँ पे निकालने वाला है, बाहर के साइड निकालेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो, जो सोडियम एंड क्लोरीन है ये क्या हो रहा है, दैट इज क्रिस्टल स्ट्रक्चर से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है कि क्या एग्जैक्ट हो रहा है करके। तो होता है क्या है, अब जैसे आप क्या कर रहे हो, दैट इज लेट्स से आपके पास यही सेम है, इसके अंदर आपने क्या किया, दैट इज सेम चीज आपने यहाँ पे क्या किया, 10 क्या किया, टीस्पून आपने क्या किया, ऐड किया। लेट्स से 10 टीस्पून ऐड कर रहा है, द रीजन बीइंग क्या कि आपके पास क्या वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स किसके लिए प्रेजेंट है, दैट इज ए Na+ एंड Cl- को सेपरेट करने। लेट से आपने यही पानी के अंदर अराउंड कुछ तो 30 टेबल स्पून ऐड किया, अब क्या होने स्टार्ट होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो आपके पास क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, वो सफिशियंट नहीं रहता है क्या करने के लिए, सोडियम एंड क्लोरीन को सेपरेट करने के लिए। अब आप क्या नोटिस करोगे, जो आपका बीकर रहेगा उसके नीचे क्या नोटिस करेंगे, सॉल्ट का क्रिस्टल्स जमा होते हुए आपको दिखने स्टार्ट होगा। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट ये करता है कि क्या हो रहा है कि आपका सॉल्ट अभी डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो सॉल्ट आपका क्या फॉर्म करने स्टार्ट करेगा, प्रेसिपिटेट बनाने क्या करता है, स्टार्ट करता है। प्रेसिपिटेशन का रीजन क्या है, जो सॉल्वेंट का जो भी पार्टिकल्स है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, लेस है, इसीलिए क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट होता है। सॉल्वेंट का पार्टिकल्स इनफ रहता है तो कौन सा प्रोसेस होता है, डिसोसिएशन। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो कि क्या दिया गया, सेपरेशन ऑफ क्या बोला गया, दैट इज आप बोल सकते हैं कोई भी सॉल्ट एसिड बेसिस वाटर इनटू क्या बोला गया, आयंस, इसको ही हम लोग डिसोसिएशन बोलते हैं। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, कि क्या हो सकता है, ये सोडियम एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, दैट इज कंबाइन हो सकता है क्या बनाने के लिए, NaCl। ये प्रोसेस होगा कब, जैसे आप ये जो सॉल्ट का पानी है, सॉल्ट वाटर, इसको आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। हीट करने पे होता क्या है, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होते रहेगा, जिससे क्या होगा, दैट इज सॉल्वेंट का क्वांटिटी, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते रहेगा, लेस होते रहेगा, एंड जिससे क्या बिगिन होगा, प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो ये प्रोसेस को आप वापस क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। दूसरा, डिसोसिएशन होने के लिए आपको क्या लगता है, दैट इज लिक्विड्स लगता है या कोई सॉल्वेंट लगता है, इसीलिए जब भी आप क्या करोगे, दैट इज NaCl, NaCl को जब कौन से स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, जैसे इसको किस में डालते हैं, दैट इज पानी के अंदर, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, सोडियम, कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वेस। एक्वेस ये इंडिकेट करेगा कि कौन से स्टेट में सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, वाटर के स्टेट में। यहाँ पे क्या रहेगा, Cl, ये भी कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वेस स्टेट में, ठीक है। ये आपको मेन पता रहना चाहिए, डिसोसिएशन प्रोसेस हवे में नहीं होता है, इसको क्या लगता है, एक दैट इज सफिशियंट क्या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट लगता है, सबसे मेन। नेक्स्ट, सब्सटेंस जो डिसोसिएट नहीं होता है
वो क्या फॉर्म करता है प्रेसिपिटेट। अब जाते हैं इसके इंपॉर्टेंस पे। अब डिसोसिएशन कहाँ पे यूज किया जाता है, हम लोग आगे टॉपिक करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस। अब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, अब सेपरेशन, जैसे मैंने बोला आप क्या कर सकते हो, दैट इज एक जो तरीका है दैट इज वाटर के थ्रू किया जा सकता है, एंड दूसरा जो है दैट इज थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में होता है क्या है, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो क्या करने के लिए, दैट इज आयंस को सेपरेट करने के लिए। दूसरा है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर का यूज करते। अब वाटर एक्चुअल में एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसके वजह से हम लोग क्या करते, एच प्लस या ओ एच माइनस एड करते, जिससे हाइड्रोलिसिस जो रहता है दो टाइप का रहता है। जब हम लोग एच प्लस आयंस एसिड एड करके दैट इज हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एसिड हाइड्रोलिसिस। जब हम लोग क्या करते बेस एड करते ओ एच माइनस, जैसे कि NaOH पानी में एड करके ओ एच माइनस का आयंस बढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस करके बोलते हैं। ये सब आपको मोस्टली हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा। अभी फिलहाल तो आपको क्या समझना है, डिसोसिएशन एसिड बेस रिएक्शंस के लिए यूज करेंगे। डिसोसिएशन जहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे वो रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस। डिसोसिएशन जहाँ पे हम लोग पानी यूज कर रहे हैं, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट रहने की वजह से एसिड ऐड करके एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे, ओ एच माइनस एड करके बेस का मतलब बेस एड करके ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहता है दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्योंकि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसीलिए आपको ये दो ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे एक और एक पॉइंट दिया है, ये मैंने ऑलरेडी आपको क्या किया दैट इज डिस्कस करके आपको समझा दिया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स करते हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस का, ताकि आपको क्या मिले, आइडिया मिले कि आप ये चैप्टर में आगे क्या क्या करने वाले करके। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, HCl। HCl किस में डिसोशिएट होगा, ये तो आपको सबको पता है, H प्लस एंड किस में, Cl माइनस। ये कौन से स्टेट में रहेगा, दैट इज एक्वेस। ये कौन से स्टेट में रहेगा, यहाँ पे एक्वेस स्टेट में रहेगा। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे H2SO4। H2SO4 यहाँ पे रहेगा H प्लस, कितना H प्लस है, 2H+। ये कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वेस। यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा, SO4 2-, ये भी कौन से स्टेट में रहने वाला है, एक्वेस। नेक्स्ट है HNO3, यहाँ पे क्या रहेगा, एच प्लस, इधर रहेगा NO3-, ये कौन से स्टेट में रहने वाला, एक्वेस। यहाँ पे कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वेस स्टेट में रहेगा। नीचे चार्ज क्या रहेगा, दैट इज एड करना इन दोनों को। नेक्स्ट यहाँ पे इधर आएगा दैट इज एच प्लस, कितने एच प्लस है यहाँ पे, 3, इधर रहेगा AQ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, फॉस्फरस PO4। अब इसका चार्ज लेट से आपको पता नहीं, 3 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कौन करेगा, 3 नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, बैलेंस। नेक्स्ट यहाँ पे ये आपको पता रहना चाहिए, मैंने टेबल में दिया है, इसको एसिटिक एसिड करके बोलते हैं। इसके आयंस यहाँ पे क्या रहेंगे, CH3CO- एसिटेट आयन रहेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज इधर रहेगा एच प्लस आयंस रहेंगे। इसके बाद NaOH, NaOH यहाँ पे रहेगा Na+, ये भी एक्वे स्टेट में, और दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, OH-, ये भी कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वे स्टेट। नेक्स्ट है यहाँ पे कैल्शियम, एक इधर रहेगा एक कैल्शियम, यहाँ पे क्या रहेगा OH-, कितने OH- है यहाँ पे, 2। कैल्शियम का चार्ज यहाँ पे क्या रहेगा, 2+, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज 2- चार्ज क्या रहने वाला है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज K+, दूसरा यहाँ पे रहेगा NO3-। ओके, ये कौन से स्टेट में रहने वाला है, दैट इज एक्वेस। ये कौन से स्टेट में यहाँ पे रहने वाला है, एक्वेस। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से दो आयन्स रहेंगे, एक यहाँ पे रहेगा कैल्शियम जिसका चार्ज 2+, दूसरा यहाँ पे रहेगा SO4 जिसका चार्ज रहेगा 2-, ये भी कौन से स्टेट में रहने वाला है, एक्वेस। ये भी यहाँ पे कौन से स्टेट में रहने वाला है, दैट इज एक्वेस स्टेट में। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से दो आयन्स रहेंगे, एक रहेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम, दूसरा यहाँ पे रहेगा SO4। एल्यूमिनियम का चार्ज यहाँ पे कितना है, 3+, कितने एल्यूमिनियम के आयन्स है, तो यहाँ पे नीचे मेंशनड है, दैट इज 2। दूसरा यहाँ पे क्या है, SO4 2-, कितने आयन्स है यहाँ पे, 3।
दोनों कौन से स्टेट में रहने वाला है, ये यहाँ पे रहेगा एक्वस में, ये यहाँ पे कौन से स्टेट में रहने वाला है, एक्वस स्टेट में रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से दो आयंस रहेंगे, चलो अभी आपको पता भी नहीं तो एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेशियम, कितने पोटेशियम रहेंगे, दो पोटेशियम है। दूसरा यहाँ पे क्या है, दैट इज क्रोमेट, दैट इज क्या, Cr2O7, इधर क्या रहेगा, दैट इज 2-, ये कौन से स्टेट में रहने वाला है एक्वस, ये भी यहाँ पे कौन से स्टेट में रहेगा, एक्वस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे MgNO3, तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक मैग्नीशियम है, इसका चार्ज कितना होगा, 2+, ये क्या रहेगा, दैट इज एक्वस। दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा, NO3, इधर क्या रहेगा, माइनस, कितने NO3- है, 2 NO3- है, ये भी किस में एग्जिस्ट करता है, एक्वस स्टेट में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये जो आपने इधर तक 12 एग्जाम्पल्स किए हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब इसके आगे का जो भी पार्ट करेंगे, ये सब किसके एग्जाम्पल रहेगा, इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जाम्पल्स रहने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम आपको मालूम है 12th एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, 2,8,2। मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है, ये याद रखना, मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अगर उसने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, उसके ऊपर चार्ज होगा 2+। ओके, दो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हमेशा आप कहां पे बताओगे, प्रोडक्ट। ये टाइप के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, दैट इज ऑक्सीडेशन करके भी बोलते हैं। याद करने का तरीका क्या है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कहां पे बताते, दैट इज प्रोडक्ट में बताते हैं, ठीक है, ये सबसे मेन। दूसरा है कैल्शियम, कैल्शियम इज द 20th एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा, 2882, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, तो कैल्शियम यहाँ पे लूज करने वाला है, दैट इज दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। अगर उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, खुद पे वो दो पॉजिटिव चार्ज क्या बना के रख देगा, ये यहाँ पे इधर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, यहाँ पे क्या रहेगा, 2, 8, और यहाँ पे होगा 3, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, 3, यहाँ पे फॉर्म होगा Al3+। ओके, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस आप कहाँ पे बताते हो, प्रोडक्ट में, इधर क्या रहेगा, दैट इज ऑक्सीडेशन, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नेक्स्ट इज सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे रहेगा, दैट इज 2,8,1, यहाँ पे ये क्या रहने वाला, दैट इज Na क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एंड इधर क्या रहेगा, दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स, दैट इज गैसेस एंड नॉन मेटल्स में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे, ओके, अब होगा क्या, सबसे मेन ध्यान से सुनना ये पार्ट, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एक हाइड्रोजन पे जो चार्ज रहेगा वो क्या होगा, प्लस, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पे रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दो हाइड्रोजन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फॉर्म भी कितना होगा, 2H+, इलेक्ट्रॉन भी लूज होगा 2। लेट से यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज 2H2 रहेगा। ओके, सबसे पहले हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, अब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4 हाइड्रोजन कितना बनाएगा, 4H+ बनाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कितना लूज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, लॉस होगा। आई होप ये पार्ट यहाँ तक प्रॉपरली क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑक्सीजन, अब ये पार्ट जरा ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे कितना रहेगा, 8th एलिमेंट है, तो 2,6, ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या है, O2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट करना चाहिए, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2 नेगेटिव,
ऑक्सीजन है कितना? दो, तो यहां पे भी कितना आएगा? टू ओ टू माइनस फॉर्म होगा, ठीक है? नहीं समझा? एक और एक एग्जाम्पल है, आपने 2.8.7, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो दो क्लोरीन है यहां पे, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो बनेगा क्या? Cl माइनस, तो दो क्लोरीन यहां पे है तो इसीलिए यहां पे रहेगा 2Cl माइनस। वैसे नाइट्रोजन 2, क्या है? 5। एक नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तीन। यहां पे कितना है? दो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? सिक्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट। एक नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, चार्ज कितना होगा? N3-। यहां पे कितना नाइट्रोजन है? दो, इधर आएगा 2N3-। यहां पे क्या हो रहा है? दैट इज ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज रिडक्शन। रिडक्शन को हम लोग कैसे याद करते हैं? रिग। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप कहां पे बताते हो? रिएक्टेंट में बताते हो। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल्स थे वो किसके थे? दैट इज रिडक्शन के एग्जाम्पल्स थे, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग चार एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का, देन फिर हम लोग आगे जाते। तो यहाँ पे चार एग्जाम्पल्स दिए, तो से प्ले रहे फ्लोरीन, फ्लोरीन इज द 9th एलिमेंट, तो 2, यहाँ पे रहेगा 7। ओके, एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो दो फ्लोरीन यहाँ पे क्या करने वाले? दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट। एक फ्लोरीन यहाँ पे क्या बनाएगा? एफ माइनस, तो दो फ्लोरीन यहाँ पे बनाएगा 2F-। ओके नेक्स्ट, फॉस्फरस, फॉस्फरस यहाँ पे 2, 8 और यहाँ पे रहेगा दैट इज 5। एक फॉस्फरस कितना एक्सेप्ट करेगा? तीन, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तीन एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे फॉस्फरस कितना है? चार। चार फॉस्फरस कितना एक्सेप्ट करने वाला है यहाँ पे? 12 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट। ओके, एक फॉस्फरस तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे होगा P3-। कितने फॉस्फरस है? चार, तो यहाँ पे होगा 4P3-। सल्फर इज 2, 8 और यहाँ पे होगा 6। एक सल्फर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो 8 सल्फर यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे एक सल्फर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज होगा 2-। टोटल इलेक्ट्रॉन्स सल्फर यहाँ पे कितने हैं? 8। ओके, बोरॉन, बोरॉन इज द 5th एलिमेंट, 2.3। बोरॉन क्या करेगा? तीन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहां पे शो करते? प्रोडक्ट में, तो यहां पे रहेगा 3 इलेक्ट्रॉन। एक बोरॉन अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो इसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? B3 क्या होगा? प्लस। आई होप ये पार्ट यहां तक क्लियर है। पहले के तीन एग्जाम्पल्स किसके थे? दैट इज रिडक्शन के। लास्ट का जो एग्जाम्पल था ये क्या था? ऑक्सीडेशन। याद करने का तरीका यहाँ पे क्या है? रिग, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑयल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस किस में शो करते? प्रोडक्ट में। गेन किस में शो करते? दैट इज रिएक्टेंट। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, ये आपको मेन क्लियर रहना चाहिए। नहीं क्लियर है, वीडियो को पीछे करके वापस इसको अच्छे से गो थ्रू करना। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो करने वाले दैट इज एसिड्स, ये जो इसके बेस पे तीन जो थियोरीज है वो हम लोग करेंगे। सबसे पहला जो इस पे बेस थियोरी है दैट इज अरेनियस थियोरी। अरेनियस थियोरी ये क्या करता है? एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइंस बढ़ाता है किसके अंदर? सोल्यूशन के अंदर। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये एक सेकेंड थियोरी है जो आपको दैट इज सिलेबस में तो दिया नहीं है लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको टेक्स्टबुक में है तो हमें वो करके रखना पड़ेगा इसीलिए। तो ये क्या रहता है? एच प्लस क्या है? डोनर। अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं ये करके रखने, विल टेक एन एग्जाम्पल तब आपको समझ में आ जाएगा। आई फिलहाल तो ये दो डेफिनेशंस मेन करके रखना। लुईस एसिड क्या है? कि एसिड्स सबसे पहले क्या है? ऐसे सब्सटेंस है जो क्या करता है? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट, मतलब बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है दैट इज बेसिस। बेसिस में अरे देखो अभी ये दो थियोरीज में ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन बेसिस में आपको फर्क समझेगा। द रीजन भी आप अगर चलो लेट से आपने HCl, H+ डोनर है एसिड, H2SO4,
एच प्लस डोनर है इसलिए एसिड, यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज CH3COH, एच प्लस डोनर है एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया HNO3, एच प्लस डोनर है एसिड, यहाँ पे भी NaOH, एच प्लस सॉरी OH माइनस डोनर है बेस, COH ट्वाइस, OH माइनस डोनर है बेस, MgOH ट्वाइस, OH माइनस डोनर है बेस, NH4OH, OH माइनस डोनर है बेस, लेकिन इवन NH3 को क्या कंसिडर किया गया है बेस। अब प्रॉब्लम क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इसमें तो OH माइनस है नहीं, तो इसका मतलब ये तो बेस होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसीलिए ये एक्स्ट्रा डेफिनेशन करके रख रहे, ब्रॉन्सिलरी बेस क्या रहता है, ये एक H प्लस क्या है एक्सेप्टर है, ठीक है, या इसके पास क्या रहता है एक पेयर ऑफ क्या रहता है इलेक्ट्रॉन जिसको ये डोनेट कर सकता है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वाई एन एच थ्री इज अ बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ये हम लोग करेंगे। तो यहां पे लेट से एन एच थ्री जिस कॉल्ड एज अमोनिया, अमोनिया को लेट से हमने किस में रखा, वॉटर में, वॉटर को हम लोग कैसे लिखेंगे, वील राइट इट एज एच प्लस एंड क्या लिखेंगे ओ एच माइनस, ये एच टू ही है लेकिन हम लोग इसको एच प्लस और ओ एच माइनस के टर्म्स में लिखेंगे। अब होता क्या है, तो सबसे पहले एन एच थ्री या ये फिर ये जो वॉटर जो है ये क्या करेगा, अपना एच प्लस आयन्स को यहाँ पे क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट करने पे यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एन एच फोर क्या होगा प्लस। दूसरा एन एच फोर प्लस फॉर्म होने के साथ साथ वाटर में क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओ एच माइनस क्या होगा फॉर्म। ओके नाउ वाटर, वाटर विल बिहेव लाइक एन एसिड। नाउ व्हाई विल वाटर बिहेव लाइक एन एसिड, बिकॉज इट इज एन एच प्लस क्या रहता है डोनर। एन एच थ्री अमोनिया विल एक्ट एज अ बेस। नाउ व्हाई इज अमोनिया एक्टिंग एज अ बेस, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज एक्सेप्टिंग एन एच प्लस, इसको हम लोग बोल सकते हैं एच प्लस क्या होगा एक्सेप्टर, ठीक है, एच प्लस एक्सेप्ट करके ये क्या बना रहा है एन एच फोर प्लस, इसीलिए यहाँ पे जो अमोनिया रहेगा इट इज अ बेस। आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर है, वाई अमोनिया इज अ बेस बिकॉज इट इज एन एच प्लस एक्सेप्टर, एंड वाई इज वॉटर ओवर हियर एन एसिड बिकॉज इट इज अ एच प्लस डोनर। ये थियोरी किसके अकॉर्डिंग है, दैट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग। जो लुइस वाला जो पार्ट है ये जैसे आप हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में जाओगे 11th और 12th में तभी आपको आ जाएगा ये पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो एसिड्स एंड बेसिस को हमने क्या किया दैट इज दो टाइप्स में मेन क्लासिफाई किया, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस में। तो कैसे समझते हैं कोई चीज स्ट्रांग है या वीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नोटिस कर सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रांग एसिड्स जो है ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोशिएट होता है वाटर में, और वो क्या करते हैं एच प्लस आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा क्या करता है इंक्रीज करता है। लेकिन जो वीक एसिड्स रहता है ये क्या होता है पार्शियली डिसोशिएट होता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस, सो अगर मेरे पास यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज 100 मॉलिक्यूल्स, किसका मॉलिक्यूल्स दैट इज एच एन ओ थ्री का रहेगा, तो मुझे क्या मिलेगा ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास यहाँ पे 100 HNO3 है तो ये क्या होगा डिसोशिएट होगा, एक एच एन ओ थ्री क्या देगा एक एच प्लस देगा और एक क्या देगा एक एन ओ थ्री माइनस देगा। वैसे 100 रहेगा तो यहाँ पे क्या बोले 100 H+ मिलेगा एंड 100 क्या होगा एच एन ओ थ्री माइनस मिलेगा। सेम गोज ओवर हियर, इफ आई हैव लेट से 100 H2SO4 रहेगा, सो वॉट इट विल गिव मी इज एक एच टू एसओ फोर विल गिव मी क्या 2 H+ देगा एंड क्या देगा मुझे यहाँ पे एक SO4 2- देगा। तो अगर क्या होगा 100 एक से दो मिल रहा है, 100 से यहाँ पे क्या मिलेगा 200 H+ मिलेगा, लेकिन एसओ फोर एक एच टू एसओ फोर से 100 SO4 मिल रहा, सॉरी एक एच टू एसओ फोर से एक एसओ फोर मिल रहा था, तो 100 H2SO4 से मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 100 SO4 2-। क्या नोटिस किया कि ये 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए डिसोशिएट हुए,
इसीलिए HNO3, H2SO4, HCl और भी है तीन, वो भी मैं आपको लिख के रहता हूँ। एक है दैट इज HI, दूसरा यहाँ पे HBr और तीसरा यहाँ पे HClO3। इसमें आपको सिर्फ ये चार मेन आपको ध्यान में रखना है, ये दो और एक है, ये दो आपको फिलहाल तो सिलेबस में नहीं, एटलीस्ट ये चार आप अच्छे से याद रखो, अगर ये पांच याद होता है वेल एंड गुड। ओके, नाउ व्हाट अबाउट वीक बेस, सॉरी वीक एसिड। तो इस सपोज आई हैव लाइक 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा दैट इज CH3COH। सो व्हाट विल हैपन इज, यहाँ पे लेट्स से मैंने क्या किया 100 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके दो मॉलिक्यूल्स या तीन मॉलिक्यूल्स क्या होगा, डिसोशिएट होगा। किसमें, एक यहाँ पे क्या रहेगा CH3CO-, दूसरा यहाँ पे क्या रहेगा H+। लेकिन जो रिमेनिंग 98 मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कौन से फॉर्म में रहेगा, CH3COH के। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। सिर्फ क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन। पार्शियल का मतलब क्या है, सिर्फ इसमें से जो क्या होता है 100 में से दो लोग डिसोशिएट हो गए, लेकिन जो बाकी के 98 जो रहेंगे वो क्या रहेगा, अनडिसोशिएटेड रहेगा। नीचे आके क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। यहां तक आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स का ही मेन एग्जाम्पल्स याद रखना है, इसके अलावा और कोई भी आपको दिख गया वो सब किस में आएगा, वीक एसिड में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा किसमें, वाटर। अब आपको समझ में आ रहेगा, अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH रहेगा तो मुझे क्या मिलेगा, 100 Na+ मिलेगा, 100 OH- मिलेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन अगर मैंने NH3 क्या किया, पानी के अंदर डाला, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डाला, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दो NH4+ मिलेगा और दो OH- मिलेगा। रिमेनिंग जो 98 जो रहेंगे वो NH3 के फॉर्म में नीचे प्रेसिपिटेट बनते हुए मिलेगा। ये होता है दैट इज पार्शियल डिसोसिएशन। ये एग्जाम्पल्स रहेगा वीक। आप मेन क्या करना, दैट इज जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है इसके एग्जाम्पल्स आप मेन करके रख देना। लास्ट है दैट इज क्या, एल्कलीज। एल्कलीज क्या है, दीज आर टाइप्स ऑफ बेसिस, लेकिन ये बेस का स्पेशलिटी क्या है, ये क्या हो सकता है, दैट इज वाटर में क्या हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, क्या जनरेट करने के लिए, दैट इज OH- आयंस। आई होप ये पार्ट क्लियर है। ये किसके लिए मेन यूज किया जाता है, बेसिक हाइड्रोलिसिस के लिए यूज किया जाता है। दैट इज वाटर में मुझे OH- आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो मैं क्या ऐड करूंगा, उसके एल्कलीज ऐड करूंगा। ये किसमें यूज किया जाता है, सोप इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने, इवन एक्सप्लोजिव बनाने के लिए एल्कलीज वगैरह का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज बेसिसिटी ऑफ, क्या बोला गया, दैट इज एसिड्स, या फिर दूसरा जो टॉपिक है इसको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ, क्या बोला जाता है, बेसिस। अब ये टॉपिक समझने के लिए बहुत टफ है या कंफ्यूजिंग लगता है बहुत जन को, तो आपको क्या समझना है, एसिड्स क्या डोनेट करता है, H+। H+ इज अ बेसिक रेडिकल। बेसिस क्या डोनेट करता है, OH-। OH- इज अ एसिडिक क्या रहेगा, रेडिकल। ओके, तो ध्यान से सुनना, बेसिसिटी ऑफ एसिड्स का क्या मतलब है, हाउ मेनी बेसिक रेडिकल्स, या बोल सकते हैं हाउ मेनी H+ आयंस कैन बी डोनेटेड बाय एन एसिड। ओके, यहाँ पे पहले इसमें कितना H+ डोनेट कर पा रहा है, H+ एक ही डोनेट कर पा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ मोनो बेसिक एसिड। दूसरा HNO3 कितना डोनेट कर रहा है, एक H+, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड है, क्योंकि ये एक बेसिक रेडिकल डोनेट कर रहा है इसीलिए मोनो बेसिक। यहाँ पे H2SO4 कितना डोनेट कर रहा है, दो H+, इट इज कॉल्ड एज अ डाई बेसिक एसिड, क्योंकि दो बेसिक रेडिकल्स डोनेट कर रहा है। यहाँ पे भी 2H+, इट विल बी ऑल्सो अ डाई बेसिक एसिड बिकॉज इट इज डोनेटिंग 2H+। यहाँ पे कितना H+ डोनेट हो रहा है, तीन तीन बेसिक रेडिकल्स डोनेट हो रहा है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज अ ट्राई बेसिक एसिड। यहाँ पे भी 3H+ डोनेट हो रहा है,
इसको भी हम लोग किसमें काउंट करेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। अब यहाँ पे वर्जन फोर लिखते तो फोर नहीं होता है, इसका जो डिसोसिएशन होता है आपको पता रहना चाहिए, CH3CO-, और यहाँ पे क्या होगा, H+ रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हो रहा है, इसको भी एक बेसिक रेडिकल डोनेट होने की वजह से इसको भी टैग लग जाता है मोनो बेसिक एसिड का। ओके, एसिडिटी ऑफ क्या बेसिस, डेफिनेशन क्या बोलता है, हाउ मेनी एसिडिक रेडिकल्स एक बेस डोनेट कर सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी ऑफ बेसिस। तो यहां पे कितना OH- डोनेट हो रहा है, एक OH-, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ मोनो एसिडिक बेस, क्योंकि एक एसिडिक रेडिकल डोनेट हो रहा है। यहाँ पे भी एक OH- डोनेट हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ मोनो एसिडिक बेस। यहाँ पे कितना OH- डोनेट हो रहा है, दो OH-, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई एसिडिक क्या बोलते हैं, बेस, बिकॉज दो एसिडिक रेडिकल्स यहाँ पे डोनेट हो रहा है। इधर भी यहाँ पे टू OH- डोनेट हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ डाई एसिडिक बेस। यहाँ पे तीन OH- क्या हो रहे हैं, डोनेट, इसीलिए क्या रहेगा, दैट इज ट्राई एसिडिक क्या रहेगा, बेस। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, थ्री OH- क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, दिस इज अ ट्राई एसिडिक बेस। यहाँ पे एक OH- क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है, इट इज अ मोनो एसिडिक क्या होने वाला है, बेस। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है करके यहां तक। तो इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट के कंप्लीट ऑफ हो जाता है। सेकेंड पार्ट में हम लोग दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करने वाले, तो वो पार्ट को आप मिस मत करना, ठीक है, थैंक यू।